हाँ लाल पताका लेके पटना में इनका दिमाग क्रैक हो गया, रांची जाए वाले हैं। मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, हम मोदी से कुछ होने वाला नहीं है। बारे सब इंडिया में अब भारत भारत का बौखला रहा, पब्लिक को एकदम बेलगा रहा, पूरा नचा रहा है। आप लोग घूम यार को बदलो जिंदा कुछ नहीं, अब उनका पीला पत्ता हो जाएगा, कमल में कीचड़ में फूल नहीं खिलेगा। यार का देन आप खाना खा रहे हैं, ये क्या बतियाएंगे, इनका क्या होगा। चांद पर पहुंचा दिया देश को, ना चांद पर मोदी नहीं, चांद पर इसरो पहुँचाया। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जी और अमित शाह जी गए थे नट बोल्ट टाइट करने मिसाइल के सरकार में? अरे सरकार वो का दिए हैं हमारे देश को, ठंडवा दिए हैं। फंड फंड कब नहीं मिलता था, फंड किसान को हर साल पैसा दे रहे हैं। क्या क्या वो सुना भैया, सुना एक सिर्फ हाई ना हो कि लाल किला वाला कहानी बात ही बनू, जाके मोदी जी भाषण देलन हमेशा हमारे भाइयों बहनों, मैंने पटना जंक्शन पे गया था, वहाँ पे 10 रुपया में मुझे 5 पानी पूरी दिया। आप लोग बताइए मेरे साथ अन्याय हुआ कि नहीं। तो अब क्या एनसी वाला आ गया, छात्र छात्र नेता लोग बैठा रहेगा, वो लोग चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का बोले में कलकत्ता चलो, हमारा स्मार्ट सिटी ना चाहिए, हमारा स्मार्ट विलेज और स्मार्ट आदमी चाहिए, ठीक ना। आए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनाइए ना, बिहार को दरभंगा में एम्स खुलवा दिए के मोदी जी। मोदी जी एम्स खुलवाए हैं, एम्स है दरभंगा में, एम्स है। ये मोदी जी के ज्ञान का जो है हम लोग दाद देते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है। आप झूठ बोलने में सबसे इतना बड़ा झूठ, दरभंगा में एम्स कहाँ है? दरभंगा में एम्स, पूर्णिया में एयरपोर्ट सब बनकर तैयार है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कहाँ एम्स है? मोदी झूठ बोल रहे हैं, मोदी 100% झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं मोदी, मोदी जी जैसा, मोदी जी जैसा कोई झूठ बोलता भी है का? है वो तो सबसे झूठा आदमी है, पूरा देश को वो झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं बताइए तो, कहाँ सच्चाई बोलते हैं? खून सुखा दिया सब, कब कहाँ सच्चाई कब बोलते हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, दे ही रहे हैं 2 करोड़। दो लड़का के ज्वाइनिंग नहीं होते, रेलवे में 12 साल रेलवे के वैकेंसी गायब हो गई लग, कहाँ आए ये कहाँ हुई लग वैकेंसी के, बेरोजगारी दर के प्रतिशत आपको पता है कितना हो चुकी है? यूपीए सरकार में कितना थी, अभी कितना है? अभी 95% बेरोजगार है, और यूपीए सरकार में कितना थी, 60% बेरोजगार थी। यूपीए सरकार हर एक साल रेलवे में 2 करोड़ वैकेंसी निकालती थी, 2 लाख कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालती थी। आज रेलवे में जब इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन आ रहा है, अब देखिए वैकेंसी निकलेगी, रिजल्ट आएगा बच्चों का। इंडिया गठबंधन रोक लगा मोदी जी को, इंडिया गठबंधन रोके चाहे नहीं रोके, उनके लिए एक एक आदमी काफी है। कौन? हमारी देश की जनता, देश की जनता। हाँ तो देश की जनता पूरा हो गया ना, क्या देश की देश की जनता, हमारे संविधान क्या बोलता है? ये संविधान बदलने चले हैं, बताइए तो का सब में सब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़? हाँ पूरा छेड़छाड़, बचाने का कसम खाए, संविधान बर्बाद करने का कसम खाए अमित शाह और मोदी जी। हाँ उसको पूरा बर्बाद कर देंगे, देश को बेच दिए हैं अडानी के हाथों में। सब मोदी मोदी हो रहा है, वो सब कौन हो रहा है? वो सब यहाँ कई गो मोदी करे वाला है, एक आगो मोदी करे वाला है, पूछिए तो देखिए। देखिए नौजवान का चेहरा सूखा हुआ है, नौजवान का चेहरा सूखा हुआ है, देखिए तो एक आगो मोदी वाला है, देखिए कोई मोदी वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई मोदी। देखिए क्या चाचा है मोदी वाला, आप कह रहे हैं चाचा मोदी के? मैंने तो अति वो तो अमेरिका देखे के बी बाइडेन आके झुक गया G20 में। अच्छा हमारे यहाँ बिहार में तो गरीब को पर्दा से ढक दिए थे घर नहीं, नीतीश कुमार भी दौड़ के गए। इसका गवाह हो गया कि जो बाइडेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत हिंदुस्तान में नहीं मिला, लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो गई, यहाँ पत्रकारों का जो है मिट्टी पलित कर दिया मोदी ने, एक भी इंटरव्यू करने की इजाजत मोदी ने नहीं किया, और जो बाइडेन को मजबूर होकर के यहाँ से जाके वियतनाम में जाके इंटरव्यू करना पड़ा, और उसने कहा कि जो अब आप समझ लीजिए कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ कहलाता है, वहाँ पत्रकारों को जो है सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी को किस रूप में यहाँ ले जा रहे हैं, पूरी तरह देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, और हिंदुस्तान के किसान मजदूर जिसके ऊपर दमन किया है, एक साल 13 महीना तक लगातार किसान आंदोलन करके
750 किसानों की जो हत्या करवाया मोदी ने, ये किसान शपथ लिया है कि 2024 में मोदी को हम मिट्टी पलित करेंगे। किसानों की हत्या करवाया मोदी जी, किसानों की औकात क्या है? मैंने आपको बिहार में देखिए ना, औकात नहीं है, किसान का अनाज खा के जिंदा कर, किसान का औकात नहीं। दिमाग क्रैक हो गया, रांची जाए वाले हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, अब मोदी से कुछ होने वाला नहीं है। बारे सब इंडिया में अब भारत भारत का बौखला रहा, पब्लिक को एकदम बेलगा रहा, पूरा नचा रहा है। आप लोग भूमिहार को बदलो जिंदा, कुछ नहीं, अब उनका पीला पत्ता हो जाएगा, कमल में कीचड़ में फूल नहीं खिलेगा। भूमिहार का देन है, आप खाना खा रहे हैं, ये क्या बतियाएंगे, इनका क्या औकात है, आपका क्या औकात है? अरे ढोलटांग नहीं, अरे बढ़िया हम है, आप बेकार है, प्लास्टिक का जड़ी बड़ी ले लिया है। अरे हम नहीं भूमिहार के बदल पूरा बिहार खा रहा, गलत कह रहा, गलत कह रहा, सब सबको चकमा देता है, चकमा देता है। अच्छा बताइए, सुनिए ना, आप खाना भूमिहार के चलते खाते हैं? नहीं भाई, भूमिहार खाना नहीं, अपना हाथ अपना कमाता अपना खाता, कोई का सरकार रहेगा, महागठबंधन का रहेगा, चर्चा कर रहे ना कि भूमिहार का, नहीं नहीं, महागठबंधन का सरकार रहेगा, लालू जी की सरकार, बिहार में बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा, हमेशा आरजेडी नीतीश कुमार अगर साथ है। भूमिहार का दाना आप लोग खाते हैं? नहीं भाई, हम लोग अपना कमाते हैं खाते हैं, भूमिहार का सब नहीं नहीं, मोदी हटाओ देश बचाओ, एकदम मोदी को हटाना बहुत जो कुछ खाता है वो भूमिहार का देना, पूरा देश तो बेच दिया। जानते हैं ये लोग वोट नहीं बना रहे हैं मोदी का, ये लोग वोट मोदी का खराब कर रहे हैं। ये इनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए, मंदिर में घंटी बजाएंगे और टीका चंदन सबको करेंगे, तब ये हम लोग दान देंगे तब ना चलेगा घर इन लोग का, तब ये लोग दान नहीं देंगे तो घर वो नहीं चलेगा।